नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने एक बार फिर अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर भी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर चुटकी ली। अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव तक तो ठीक है, नौबत पंचायत सरपंची के चुनाव न लड़ने की आ जाए। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त है और उनके भ्रष्टाचार को वे ऑडियो वीडियो के जरिए चंडीगढ़ में जाकर उजागर करेंगे। बिजली डिफॉल्टरों की लंबी सूची पर दिए अपने बयान में अभय चौटाला ने कहा कि सरकार के कई लोग डिफॉल्टर हैं। वहीं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के विधानसभा क्षेत्र नारनौंद के गांव खांडा का डिफॉल्टर सूची में पहले स्थान पर आने पर अभय चौटाला ने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु का गांव ही क्या, उनके स्कूल के बिजली बिल भी चेक होने चाहिए। अभय ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ेगा, पांचों नगर निगमों में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। 1 तारीख से अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र की धरती से इसकी शुरुआत करेंगे और इसको तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिल जाए। इस सरकार के अंदर कुछ एक तो ऐसे लोग हैं जो 100% अपने आप ही डिफॉल्टर है, जिनके घर ही नहीं है बेचारों, जिसके घर नहीं होगा उसके मीटर कहाँ से आएगा। जहाँ सरकार कहती हम चोरी रोकेंगे, वहाँ इनके अपने लोग चोरी कर रहे हैं। जहाँ इनके अपने लोग रोज भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं जिस दिन भी चंडीगढ़ जाऊँगा, मुख्यमंत्री ने स्वयं ने एक ऐसा भ्रष्टाचार कर रखा है जिससे मुख्यमंत्री स्वयं बेनकाब होंगे कि वो भी भ्रष्टाचार के मामले में आज शामिल है। उसका खुलासा करूंगा और उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दूंगा। चुनाव तो चाहे कोई लोकसभा का लड़े, विधानसभा का लड़े, मुझे लगता है कल कोई ये ना कह दे कि हम तो पंची सरपंची का लड़ेंगे।